जिस दिन मार्केट में हमें ट्रेंड मालूम होता है ना उस दिन जैसे इस दिन अगर हमें मालूम है कि मार्केट में आज डाउन ट्रेंड रहने वाला है तो हम डाउन साइड की एंट्री लेके उस दिन हम प्रॉफिट कमा लेते हैं लेकिन जिस दिन हमें ट्रेंड पता नहीं रहता है कि मान लो कि यहाँ पर हमें अप ट्रेंड की एंट्री लेनी थी तो हम यहाँ पर ना जो भी कमाए थे ना यहाँ पर गवा देंगे हम यहाँ पर मार्केट नीचे गिरता रहेगा और हम अपसाइड की एंट्री लेते रहेंगे मार्केट गिरेगा हम अपसाइड की एंट्री लेंगे और उस दिन जो यहाँ पर कमाया था वो सारा अकाउंट यहाँ पर खाली कर देंगे ठीक है अब जिस दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर सपोर्ट पर एंट्री लेते जाएंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा और हम सेल करते जाएंगे और हम वहाँ पे वापस से जो यहाँ पे कमाया था इस वजह से हम लॉस में ही बने रहेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हमें पता चल सके कि आज अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो हमें रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना है या सपोर्ट पे ट्रेड लेना तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लाइव मार्केट चल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना चाहिए या आपको एक सपोर्ट पे ट्रेड लेना चाहिए आपका ये कंफ्यूजन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ठीक है तो दोस्तों वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं देखो दोस्तों हमें बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट रखना है हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाना प्रॉफिटेबल आप तभी बन पाओगे जब आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ही सिंपल रहेगी आप चाहो तो यहाँ पर लाख इंडिकेटर लगा सकते हो लेकिन उतना ही आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है हैमर बन रही है शूटिंग स्टार बन रही है अपनी वाली कैंडल भी बन रही है यहाँ पे लेकिन आपके पास में ये नहीं पता कि आपको किस बेस पे ट्रेड लेना चाहिए आपको सप्लाई और डिमांड पे ट्रेड लेना चाहिए लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको आज सप्लाई पे ट्रेड लेना है या आज आपको डिमांड के बेस पे ट्रेड लेना है क्योंकि आपको कितनी भी नॉलेज आए लेकिन आज मार्केट में आपको क्या लेना है आपका क्या डायरेक्शन है क्या ओपिनियन है उसके बेस पे ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा नहीं तो मार्केट ऊपर जाता रहेगा और आपको सेल साइड का ट्रेड बनाते रहोगे ठीक है तो देखो हमारी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी क्या स्ट्रेटेजी है जो कल के मार्केट की क्लोजिंग है कल के मार्केट की जो क्लोजिंग है कल का मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ था यहाँ पर ये मार्केट की क्लोजिंग होगी ये बिल्कुल ठीक है तो जिस भी दिन अगर मार्केट कल की क्लोजिंग में हमें डे हाई डे लो से कोई मतलब नहीं है मार्केट का डे हाई जो भी हो मार्केट का डे लो जो भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है उसी को हमें यूज करना है बस ठीक है तो अगर मार्केट आज की जो क्लोजिंग है ना आज की जो क्लोजिंग अगर उसके ऊपर ओपन हो रहा है तो हमें ओनली ऑन सपोर्ट के पे ट्रेड लेना है और अगर मार्केट आज की क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है तो हमें रजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है अब चाहे मार्केट गैप अप हो गैप डाउन हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें हमारा रूल बिल्कुल फिक्स है मार्केट अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर है तो हमें सपोर्ट पे ट्रेड लेना है अगर आज की क्लोजिंग से नीचे है तो हमें रजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है क्योंकि मार्केट में ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं एल्गो होते हैं सब पे यही जो बेस पे होता है कि अगर आज मार्केट के ऊपर ओपन हो रहा है ना तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आज मार्केट बुलिस अगर कल की क्लोजिंग से मार्केट नीचे है तो इसका मतलब है कि आज मार्केट बेरी से क्योंकि जब सेलर में इतनी पावर होगी तभी तो उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ क्लोजिंग कराया नहीं तो अगर सेलर में अगर पावर ही नहीं थी तो वो नीचे की क्लोज करवाता मार्केट को ठीक है तो अब देखो अगर आपको देखो किस तरीके से सपोर्ट और रजिस्ट मान लो ये सपोर्ट है ना अगर आपको ये किस तरीके से सपोर्ट पे ट्रेड लेना अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना मैं आपके इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से सपोर्ट पे ट्रेड लेना है किस तरीके से रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना है ठीक है तो देखो अब मार्केट ये कहाँ पर ओपन हुआ है ये मार्केट आज की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ तो हमें केवल सपोर्ट पर ट्रेड लेना हमें हमेशा से जो गिरता हुआ मार्केट है ना उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है गिर रहा मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी गिर रहा मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो यहाँ पर आपके जो भी नॉर्मली जो भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हों वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बना लेने हैं ठीक है तो देखो हमारा पहला जो सपोर्ट है ये वाला एरिया होगा यहाँ से मार्केट ने इसको तोड़ा था ऊपर तो एक सपोर्ट हम सप्लाई या डिमांड एरिया इसको मान लेते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक बार पहले भी डिमांड आई हुई है तो हम इसको एक डिमांड का एरिया मान लेते हैं ठीक है ये हमारा एक डिमांड एरिया हो गया यहाँ पे हम जब भी मार्केट आएगा तो बाई करेंगे ठीक है और अगर आप चाहो तो जैसे राउंड लेवल है ठीक है चौबीस हजार दो सौ ठीक है और चौबीस हजार तीन सौ ठीक है और चौबीस हजार चार सौ ये वाले हमारे एरिया है. यहाँ पर भी आप ले सकते हो कि जैसे ही सपोर्ट पे आएगा मैं बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा इसके ऊपर तोड़ के जब नीचे आएगा मार्केट तो मैं बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा ठीक है तो आज तो जो मतलब प्राइज एक्शन के अनुसार जो भी सपोर्ट रजिस्टेंस सपोर्ट बनाने थे वो मैंने बना दिए ठीक है थीके? अगर आप चाहो तो इनको भी बना सकते हो ठीक है लेकिन मैं इनको बनाता नहीं हूँ तो मैं तो इन पर ट्रेड नहीं लूँगा ये वाले ठीक है इनके ऊपर मैं कभी भी ट्रेड नहीं ले पाऊँगा तो ये वाले सपोर्ट है ये वाले मैं इसी के ऊपर जब मार्केट आएगा तो मैं इसी के बेस पे ट्रेड बनाऊंगा तो ये वाला है इस सपोर्ट पे ही मैं ट्रेड बनाऊंगा जब भी मार्केट इस सपोर्ट पे आएगा तो मैं यहाँ पर एक स्कॉल्पियन का ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर है ठीक है अब ये यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पर कल की क्लोजिंग से ऊपर था जो ये हमारी कल की क्लोजिंग थी कहाँ पे थी हमारी कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी इसके ऊपर था तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ओनली बाय साइड का ट्रेड लेना था ठीक है तो हमारे जो सपोर्ट एरियाज है वो हम मार्क कर लेते हैं तो हमारा पहला तो डिमांड जोन ये रहा ठीक है यहां पे हमें बाई करना है दूसरा हमारा डिमांड जोन कहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था हमें यहाँ पे ये सपोर्ट बन चुका है ठीक है एक हमारा ये हो गया ठीक है विक से बॉडी ठीक है एक ये हमारा ये हो गया ठीक है दो गए यहाँ पे फिर तो इसके नीचे क्लोजिंग पे ही चला जाएगा क्लोजिंग पर जाने के बाद में हमारा ये एक रजिस्टेंस का, का काम करेगा तो मैं इसको रजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कुछ भी ज्यादा हमने बनाया नहीं है ठीक है अब देखो मार्केट यहाँ पर आया ऊपर गया इसमें तो कौन ट्रेड लेगा ठीक है यहाँ पे मार्केट ने ऐसा कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या एमर कैंडल नहीं बनाई तो यहाँ पर तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं इसके बाद में इसको तोड़ा इस पे सपोर्ट लिया यहाँ पे स्कॉपिंग फिर यहाँ पे इसको टच करके ऊपर गया ठीक है यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन जाएगा ठीक है फिर इस ट्रेने इसको डायरेक्ट तोड़ा यहाँ पे अब यह रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे ठीक है ऊपर चलते हैं अपन यहाँ पे ये यह तो बिल्कुल ही गैप डाउन ओपन होता कल की क्लोजिंग के नीचे ठीक है तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना हमें जो भी रेजिस्टेंस जोनस है वो हमें मार्क कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है ठीक है तो ये हमारे ये एक हमारा रेजिस्टेंस ही हो गया ठीक है एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया ठीक है वो एक रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया ठीक है अब देखो यहाँ पे अगर जो भी रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे फैल होता दिख रहा है ठीक है यहाँ पे देखो अगर कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे ये काम क्यों नहीं करा ये यहाँ पर ये काम क्यों कर गया अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मैं बता दूंगा कि ये रजिस्टेंस फेल क्यों हुआ है और ये रजिस्टेंस पास क्यों हुआ है ठीक है हमें यह भी पता होना चाहिए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये रजिस्टेंस लिया मार्केट नीचे गिरा ठीक है यहाँ पे रजिस्टेंस लिया नीचे गिरा यहाँ पे रजिस्टेंस लिया थोड़ा सा गिरा ऊपर एसोलेट कर दिया फिर ये रजिस्टेंस था यहाँ से मार्केट गिरा ठीक है बिल्कुल सिंपल सा प्राइजेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं कुछ भी इस प्राइजेक्शन को हमने हार्ड नहीं बनाया ठीक है अगर कल की क्लोजिंग को ही हमने देखा है उसी को महत्व दिया ठीक है ठीक है दोस्तों तो आपको बस इसी ही बेस पे ट्रेड लेना है मार्केट में बस क्लोजिंग को देखना है कि क्लोजिंग के ऊपर है क्या तो है आपको फिर उसके बेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड लेने हैं ठीक है और जो हमारी जो अभी पिछली जो अगर आपने जो दो दो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो भी देख लेना ठीक है ठीक है दोस्तों आपको रजिस्टेंस अगर सपोर्ट पर ट्रेड लेना नहीं आता है कि, कि किस बेस पे आपको रजिस्टेंस सपोर्ट पर ट्रेड लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर देना और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद